चली सुरभि, अपने सारे सपने सच करने चली सुरभि। सुरभि के एक्सीडेंट के पीछे हमारा हाथ बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज हम पे शक मत कर, और ये पुलिस के चक्कर से भी हमें निकाल दे भाई। तू जैसा कहेगा ना, हम सब कुछ सच कहने के लिए तैयार हैं। हमें भी लगता है इन सब के पीछे उस प्रिया का ही हाथ है। हाँ, क्योंकि प्रिया बार बार बोल रही थी कि वो सुरभि को नहीं छोड़ेगी। कहाँ है प्रिया? प्रिया, मुझे पता है। What is this, रणदीप? तुम्हारे चलते हमारे सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। एक लड़की के चक्कर में तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे जिसके चेहरे से घिन आ रही हो, उसके साथ में डांस कैसे कर सकता हूँ? क्या मतलब? मैं कुछ समझे नहीं। समझने में तो मुझसे भूल हुई है। प्रिया, तुम एक निहायत ही घटिया किस्म की लड़की हो, जिसे मैंने अपना दोस्त बनाकर आज तक रखा, पर अब नहीं। आई हेट यू प्रिया, मैं तुमसे नफरत करता हूं। क्या मिला तुमको उसका पांव कटवाकर? क्या हासिल कर लिया तुमने? ना तो अब तुम ये कॉम्पिटिशन जीत सकती हो, और ना ही मेरा साथ पा सकती हो। यू आर अ क्रिमिनल। बकवास बंद करो रणदीप, कुछ भी बोले जा रहे हो। अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और डॉक्टर ने उसके पैर कटवा दिए, तो इसमें मेरी क्या गलती, मेरा क्या कसूर है? हाँ, तुम कसूरवार हो, क्योंकि एक्सीडेंट हुआ नहीं, करवाया है तुमने। सुरभि के पीछे हाथ धोकर कौन पड़ा था? प्रिया। रौनक गोपाल को किसने भेजा नजर रखने? प्रिया। कॉम्पिटिशन जीतने के चक्कर में तुमने बेचारी का एक्सीडेंट करवा दिया। अरे ब्लेमिंग मी रणवीर, तुम मुझ पर बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, और मैंने ये सब नहीं करवाया, समझे? बहुत जल्द पुलिस तुम तक पहुंचने वाली है प्रिया, अब तुम बच नहीं सकती। उनके पास सारे सबूत हैं कि इस घिनौने काम के पीछे तुम्हारा हाथ है। वो कभी भी आकर तुम्हें गिरफ्तार कर सकते हैं। तुम इस हद तक गिर जाओगी प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम बकवास कर रहे हो, और मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। खबरदार प्रिया, अगर भागने की सोची भी तो ये बात तुम्हें भी पता है कि इस समय मुझसे ज्यादा तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। तो बताओ मुझे, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या मिला तुम्हें? तुम भी एक डांसर हो, क्या मिला तुम्हें उसका पांव कटवाकर, उसके सपने कुचलकर? डांस तो दूर, अब वो अपने अपने पांव पर खड़ी भी नहीं हो पाएगी। क्या पा लिया तुमने? हाँ बोलो, सुरभि की जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला तुम्हें? नहीं कटवाना चाहती थी रणदीप, मैं तो बस उसको एक छोटी सी सजा देना चाहती थी, तुम्हारे और मेरे बीच में आने की सजा।
ये एक्सीडेंट इतना भयानक रूप ले लेगा, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। रणदीप मेरा यकीन करो, मैं तो बस उसे इसे इस कंपटीशन से बाहर करना चाहती थी ताकि मैं तुम्हारे साथ ये कंपटीशन जीत सकूं, और कुछ नहीं। रणदीप प्लीज हेल्प मी, मैं पुलिस के हाथ नहीं पड़ना चाहती। लव यू रणदीप, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि वो सुरभि तुम्हारे आसपास भी भटके। कुछ हुआ अनजाने में हुआ। रणदीप प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस किसी भी तरीके से मुझे तो पुलिस से बचा लो। I just want to live rest of my life with you, Randeep. हटो प्रिया। You don't deserve this. तुम्हें तो तुम्हारे किए की सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए। एक मासूम की जिंदगी बर्बाद करके तुम अपनी जिंदगी बसाने की सोच भी कैसे सकती हो? तुम्हें तो मैं खुद जेल भिजवाऊंगा, तुम्हें तो मैं खुद पुलिस के हवाले करूंगा, अब तुम अपनी बाकी की जिंदगी जेल में सड़ोगी। चलो रणदीप प्लीज ऐसा मत करो। सुरभि की इतनी तारीफ हो रही थी कि पूछो मत। लोग तो कह रहे थे कि हमारी माँ जोनी क्षत्रिय नृत्य का पूरी दुनिया में नाम रोशन करेगी। वो तो करेगी, आपका सपना भी तो यही है। तुम्हारा डांस देखने से पहले मैंने क्षत्रिय डांस के बारे में बहुत सुना था, लेकिन तुम्हारे जैसा परफॉर्मेंस नहीं देखा। देवता, देवता! अरे अरे आराम से, पैर में मोच आ जाएगी फिर नृत्य कैसे करेगी? नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकज घ्राय वसु।
देवता पैर में मोच आ जाए या पैर घायल हो जाए, नृत्य तो मैं ऐसा करूंगी कि लोग देखते रह जाएंगे। तुम इस तरह रोगी तो माजुनी पर क्या बीतेगी? सुरभि, उसे आपके साथ यहाँ कितना अच्छा नृत्य कर रही थी। अरे हमने किसी का क्या बिगाड़ा जो ऐसे दिन देखने को मिल रहे हैं? सुरभि का, आपका, सबका सपना। रो मत, विधि के विधान के सामने किसी की नहीं चलती। अरे कैसे देखूं मैं उसका लटका हुआ चेहरा? हमेशा चहल पहल करने वाली मेरी बेटी चुपचाप कमरे में बैठी हुई है। अरे मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है उसके कमरे में जाने। मैं समझता हूं उनका, लेकिन माजुली के लिए हमें कड़ा बनना पड़ेगा। इस तरह आंसू पाने से नहीं चलेगा। अगर हमें उसके आगे की जिंदगी अच्छी देनी है तो अपने इमोशन पे काबू रखना पड़ेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ सुरभि के देवता, पर मुझसे नहीं हो रहा है। अरे ये दिन देखने से पहले भगवान मुझे ही उठा लेता। देखो अलका, अगर मैं टूट गया ना तो तुम्हारे लिए कुछ भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें पता है अंदर ही अंदर से मुझ पर क्या बीत रही है। अगर तुम ऐसी बहकी बहकी बातें करोगी ना तो मैं एकदम कमजोर पड़ जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मैं आपको कमजोर नहीं करना चाहती, लेकिन खुद को मजबूत नहीं बना पा रही हूं। आज मेरी आंखें नहीं, मेरी आत्मा रो रही है। अरे कितने नाजों से पारा था हमने अपनी बेटी को, उसके साथ ये सब नहीं देखा जा रहा मुझसे। अलका, अब रोना बंद करो प्लीज। हमारी रोने की आवाज उस तक जाएगी तो उस पर बुरा असर पड़ेगा। और रही उसकी और मेरे सपनों की बात, अगर ऊपर वाले ने ये दिन दिखाया है तो इस घर में कोई भी नृत्य की बात नहीं करेगा। इस घर से वो सब सामान हटा दो जिससे हमें लगे कि हमारे जीवन में संगीत और नृत्य कभी था ही नहीं। पांव उसका कटा, अपाहिज मैं हुआ हूं। मैंने उसे गोद में उठा के हर जगह ढोया है, गुरुजी के पास, स्कूल में। अब मैं ऊपर वाले को दिखाऊंगा कि मैं बूढ़ा नहीं हुआ हूं। सुरभि को कंधे में बिठा के मैं वो हर जगह ले जाऊंगा जहां संगीत का स्वर भी ना सुनाई दे, जनुका और नृत्य का कोई नामो निशान ना हो। अरे ये क्या, मैं रोने लगा। बहादुर बेटी का बाप रो कैसे सकता है? अलका, तुम भी तो बहादुर बेटी की मां, तुम क्यों रो रही है? वो रूम खोलो और सारे खोल निकाल के मुझे दे दो। मैं उन्हें नामघर में जाकर दे दूंगा। अरे मैं वहां कैसे जा सकता, वहां तो इतनी यादें जुड़ी। ठीक, मैं उन्हें ब्रह्मपुत्र में बहा दूंगा। निकालो अलका, निकालो। माजोनी के कपड़े, जनू का, अलका जेबर, सब सभी कपड़े में बांध दो और मुझे दे दो। वो सब कुछ हटा दूंगा।
अरे यहाँ खड़े खड़े रो क्यों रही हो? जो मैंने कहा वो सुना कि नहीं? जल्दी जाओ। मैं ये सब नहीं कर सकती और मुझे पता है आप भी नहीं कर पाएंगे। और आपने कहा ना मुझे कि अलका मत रहो, तो नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। मैं बहादुर बेटी की बहादुर माँ कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी, कभी नहीं रहूंगी। अरे मधु देखो प्रीति आई है। अरे प्रीति कहाँ अटक गई भी पीछे? मॉम कैसा है मेरा बच्चा? I'm good. How are you? Good. आ जाओ, आ जाओ बैठ। कैसी है तू? अरे भाई चुपचाप बैठी रहोगी या इसके खाने के लिए कुछ लाओगे भी? कितने दिनों के बाद बेटी आई है तुम्हारी घर पे? आप रुकिए ना, सब कुछ बना के रखा है, पर जी भर के अपनी बेटी को तो देख लूं थोड़ी देर। अरे भैया और भाभी ने कुछ खाने के लिए दिया था तुझे? कितनी दुबली पतली हो गई है वहां से। डैड वो सब छोड़िए, रणदीप के घर का क्या हाल है? बेटा हाल तो ठीक ही होगा ना? अब तू आ गई है ना, तो हम आगे बात बनाएंगे। व्हाट मॉम, इतने दिनों में बातचीत नहीं हुई? मुझे तो लगा था कि इंडिया आते ही मेरी सगाई हो जाएगी रणदीप के साथ। बेटा अब जब सारी बातें हो चुकी हैं, तो सगाई भी हो जाएगी और फिर शादी भी। अब ये बता कि भैया भाभी ने कब तक आने का बोला है? रणदीप का यहाँ आना जाना होता है? अरे भाई जब तू यहाँ पर नहीं थी तो वो हमसे भला क्यों मिलने आता? अच्छा ये बता कि गौरव ने अपना कोई प्रोग्राम बताया यहाँ पर आने का? वो आप उनसे पूछ लीजिएगा। मेरा तो मन है कि मैं जल्दी से जल्दी रणदीप के घर जाकर रणदीप से मिलूं। अरे बेटा आज ही तो आई है ना, एक दो दिन आराम कर ले, उसके बाद चले जाना। ठीक है, मैं अपने रूम में जाती हूँ। देखा कितना उतावला हो रहा है मनीष का। वो तो हो गई ना, हमने ही तो रणदीप रणदीप उसके दिमाग में भर दिया है। अब आप जल्दी से जय भाई सबसे बात कर लीजिए और सारी बातें क्लियर कर लीजिए, तो हम लोग भी निश्चिंत हो जाएंगे। सही कहती हूँ, मैं कल ही बात करता हूँ। ये तो आप कब से कह रहे हैं, सुदीप से बात करने को कहा था वो आपने नहीं की, अब आपने देखा ना ये कितनी उतावली हो रही है। मैं गौरव के बारे में पूछ रही थी और ये रणदीप और उसके घर वालों के बारे में बात कर रही है। अब आप जल्दी से जय भाई साहब से बात कर लीजिए, उन लोगों ने हफ्ते भर का समय मांगा था, अब तो वो पूरा भी हो चुका। आप कल कल करके टालिए मत, जितना जल्दी हो सके उनसे बात कर लीजिए। अरे हाँ बाबा, बोला है ना कि कल हर हालत में मैं बात कर लूंगा तो कर लूंगा। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है ना, मुझे डर लगते जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि
रणदीप का कोई प्यार व्यार का चक्कर हो। अगर ऐसा हुआ ना तो प्रीति हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अरे ऐसी बात नहीं है मधु, मैंने जय से घुमा फिराकर एक दिन बात की थी तो मुझे बड़े फक्र के साथ उसने ये बोला था कि रणदीप और सुदीप जैसा बेटा ना भगवान सबको दे। हाँ रणदीप बिजनेस में कुछ खास ध्यान नहीं दे पा रहा तो उसकी जरूर टेंशन है उसको। वो शादी के बाद बिजनेस पे भी ध्यान दे ही लेगा। अभी जो मैंने प्रीति की हालत देखी है ना, मेरा तो मन है कि मैं जल्दी से जल्दी रणदीप के घर जाकर रणदीप से मिलूं। उसके बाद मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। नरेश का फोन आया था आज, प्रीति भी आ रही है आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। आप ना नरेश भाई साहब को जल्दी घर बुला लीजिए। अब इसमें और देर करने की क्या बात है ना? सुन पुत्र, ना वक्त मिलेगा ना मोहलत। आज से तू ऑफिस जाएगा, अगले हफ्ते तेरी सगाई कर देनी है और उसी दिन तेरी शादी भी पक्की कर देंगे। समझ गया? बस मेरा पेट भर गया। चली सुरभी।